अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरेबिया की बहुत ही अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी कर देना है ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप दोस्तों की जो है लाजमी हेल्प की जाएगी। तो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि 2025 में इकामे पर कितना टैक्स लागू हो रहा है और कितना टैक्स लगाया जाएगा, इसी वीडियो के अंदर आप दोस्तों को जो है बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जो लोग पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, इटली जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे तो आपको एक प्रोफेशनल वीडियो बनाकर बताएँगे कि आप किस तरीके से आप इन कंट्रियों में जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के और भी कमेंट्स आ रहे थे कि यार हमें ये बताएं कि अगर हम सऊदी अरेबिया में रहते हुए हम अपनी फैमिली को उम्रे पर बुलाएं तो उसकी क्या इजाफ़ी चार्जेस होंगे या नहीं होंगे। तो मेरे भाई, ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है, आपको जस्ट जो है फ़ीस ही पे करनी पड़ेगी और आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट आया है उसमें ये कहा गया है कि अभी तक फ़िलहाल कोई भी इकामा टैक्स की ऐसी अपडेट नहीं आई जिसमें हम इकामा टैक्स बढ़ा रहे हों। ये दोस्तों जितनी भी आप सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।